अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैं रात के 8:30 बल्कि नहीं 9 बजे से स्टार्ट ले रही हूँ, क्योंकि आज तो पूरा दिन जो है मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो जिसके से व्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना पाई। या तो मैं कपड़े धोती या तो मैं व्लॉग बना पाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ कपड़े धोए, व्लॉग तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाया। पिछली बार भी कपड़े धोने की वजह से मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने जल्दी मतलब जल्दी मशीन लगा ली। एक हफ्ते में जो है मैंने मशीन लगा ली ताकि कपड़े कम रहे और जल्दी से धुल जाए। और खाना भी मैंने कुछ नहीं बनाया, कल जो बनाया था वही दोपहर में हम लोगों ने खा लिया और रात के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जैन ने बोला कि अब नहीं बनाओ, थक जाओगी वरना फिर से बीमार हो जाओगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। फातिमा इतला ये बेटी, यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो चुकी है। और इस दफ़ा जो है वो कपड़े सारे मुझे ऊपर ही सूखने डालने पड़े, नीचे नहीं डाल सकी क्योंकि मैं वज़न उठा के नीचे लेके गई थी पिछली दफ़ा, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो उस एंड से मना किया कि वज़न उठा के नीचे नहीं लेके जाओ, ऊपर ही रस्सी बांध दे रहा हूँ, वहीं सूखने डाल दूँ। और अभी यहाँ पर उज़ैर भी रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। उज़ैर तो नज़र ही नहीं आ रहे कैप में। मैं भी रेडी हो चुका हूँ और हम लोग आज जा रहे हैं एक अननोन लोकेशन पे। फातिमा के लिए पहले तो हम लोग जाएंगे न्यू टॉयज लेने के लिए, क्योंकि फातिमा ने बोला था कहाँ जाओगी बाबा, जल्दी बताइए। फातिमा ने अपने बाबा को कहा था मेरे लिए न्यू टॉयज लेके आएगा, लेकिन फातिमा के बाबा बाइक में गए थे जिसके से वो न्यू टॉयज फातिमा के लिए नहीं ला पाए थे। अभी फातिमा जा रही है न्यू टॉयज लेने। और क्या खाओगी आप, क्या खाओगी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या खाएंगे। जैसे ही कैमरा ऑन होता है बस इसका शर्माना शुरू हो जाता है। तो अभी उज़ैर ने जो लोकेशन है वो उनके माइंड में है, मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन ने डिसाइड की है, अब वही चल के पता चलेगा। और मैं भी अपना बैग ले लेती हूँ, तो चलते हैं। वैसे बहुत लेट हो चुकी है और आज मिलेगा आप लोग को रात का व्लॉग। चलो से निकल के हम लोग पहुंच गए हैं बच्चा पार्टी। फातिमा के लिए टॉयज लेने के लिए आए हैं हम लोग पहले, बाद में खाना खाएंगे। चलो बच्चा पार्टी आए हैं, मेरा पीछे बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी पहुंचते ही सबसे पहले मैं आ गई फातिमा के लिए हेयर क्लिप्स लेने के लिए, क्योंकि फातिमा के पास हेयर क्लिप्स बहुत कम कलर्स में अवेलेबल है, क्योंकि उसके पास उसके बाल अभी अभी बड़े हुए हैं, तो इसीलिए उसके पास हेयर क्लिप्स की कलेक्शन बहुत कम है। हेयर बैंड्स तो माशाल्लाह से उसके पास हर कलर के दो दो तीन तीन है, बट हेयर क्लिप्स नहीं है। तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा उसके लिए हेयर क्लिप्स ज़रूर परचेस करूँगी। और यार यहाँ पे इतनी वैरायटी थी और इतने ज़्यादा डिज़ाइंस कलर हर चीज़ अवेलेबल थी। और प्राइस इसकी स्टार्ट थी 100 से 300, 400, 500 तक क्लिप्स आपको मिल जाएंगे इस रेट तक। वहाँ से मैंने कुछ क्लिप्स परचेज़ किए, उसके बाद फिर मैं आ गई कपड़ों वाले सेक्शन में कि शायद मुझे फातिमा के लिए कोई ना कोई ड्रेस पसंद आ जाए तो मैं परचेज़ कर लूँगी। और यहाँ पे ड्रेस की प्राइस जो थी वो स्टार्ट थी 2200 एंड 2500 एंड 3000 से, मतलब 1000 से स्टार्ट थी। 1000 से नीचे अंडर कोई भी यहाँ पे ड्रेस अवेलेबल नहीं था, अगर था भी 1000 से नीचे तो 1000 से पहले बात कोई था ही नहीं। 1000, 1500 की कोई शर्ट ही थी और जो ड्रेस था पूरा वो मिल रहा था 2200, 2500 एंड 3000। ये यहाँ के ड्रेसेस का रेट था। और ये कैटी वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस थी 2500 और ये फातिमा के साइज़ का भी नहीं था, फातिमा के साइज़ से ये बड़ा था। उसके बाद यहाँ पे फातिमा को फ्रॉक्स अच्छे लग रहे थे, पर फ्रॉक्स लेना ही नहीं था क्योंकि कोई ओकेजन ही नहीं था फ्रॉक लेने वाला। फ्रॉक तो सिर्फ इसको मैं किसी शादी या फिर किसी ओकेजन में ही पहनाती हूँ, जैसे ईद या कुछ भी। तो उसके बाद मुझे लेना था फातिमा के लिए शूज़, और मैं यहाँ पर आ गई देखने के लिए फातिमा के लिए शूज़। और सारे शूज़ की प्राइस 1800 से स्टार्ट थी और 2500 तक की थी। बट मुझे यहाँ पे फातिमा के लिए साइज़ समझ में नहीं आया था, डिज़ाइन तो समझ में आ गया लेकिन साइज़ समझ में नहीं आया था। ये वाला फातिमा को पसंद आया, बट इसमें भी जो है वो साइज़ अवेलेबल नहीं था फातिमा का। ये फातिमा से के साइज़ जो था वो छोटा था और फातिमा का साइज़ इससे थोड़ा बड़ा था, तो साइज़ इशू हो रहा था। बट डिज़ाइन तो हम लोग को समझ में आया था, साइज़ इशू की वजह से जो है वो परचेज़ नहीं कर पाए कोई भी शूज़। तो उसके फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, शूज़ इसका फिर हम लोग कभी कहीं और से चेज़ या इम्तियाज़ से ले लेंगे या फिर मार्केट से ले लेंगे। उसके बाद फिर आगे फातिमा के लिए टॉयज़ लेने के लिए, यहाँ पे फातिमा को डॉल चाहिए थी, आज वो बहुत ज़्यादा डॉल बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको डॉल ही ले देते हैं। फिर फाइनली हम लोग की शॉपिंग हो गई, ये रही हम लोग की शॉपिंग। फातिमा ने टॉय ले लिया क्या, जल्दी बताइए। डॉल लिए बेबी ने, डॉल लिए। तो भाई अब चलते हैं घर, कितना ही नहीं पेट पूजा करते, अब कुछ खाने चलते हैं। शॉपिंग तो हो गई हमारे बच्चा पार्टी से, अब कुछ खाते हैं।
पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए अल फजर रेस्टोरेंट। हाँ, ये एक नया रेस्टोरेंट आज फिर से ट्राई कर रहे हैं, फिर से न्यू रेस्टोरेंट। और रोजाना ने बोला यहाँ पे देसी फूड मिलता है, मेरा तो इरादा जंक्स का था, लेकिन कोई बात नहीं, देसी खा लेते हैं, कभी कभी उजाने की भी सुन ही लेते हैं। हाँ। हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं रूफ टॉप पर, चलते चलते अब तो पाँव में दर्द हो गया मेरे। मेन्यू पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं क्या खाते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये मेन्यू क्या है, पूरी बुक है ये। बोल रहे हैं मेन्यू तो पूरी बुक है यार। मेरी बेटी को शूज उतार दे, पापा उतारेंगे, पापा उतारेंगे। ये ली मम्मी फिर ले बेटा, मम्मी आज फाटा की न्यू बॉटल लेके आई हूँ मैं भाई, न्यू बॉटल मंगवाई थी आज लेकर आई। ये डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन बिहारी बोटी, बीफ का सीख कबाब, स्टार्टर में फातिमा के लिए फ्राइज जो कि हमेशा हम लोग का आता ही है, और उधर लास्ट में आइसक्रीम। हाँ। डेजर्ट देख लो पहले जल्दी से, आइसक्रीम है या नहीं है, फ्लेवर कौन कौन से है? सारे यार, स्ट्रॉबेरी नहीं है, सारे है। सही है, फिर मैं तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाऊंगी लास्ट में, अभी नहीं, अभी खाना आ जाए वो खाएंगे। बेटी से सबर नहीं हुआ, यहीं पे ओपन करवा ली अपना बेबी, ये शौक से तो मुझे हो जाएगा, इसका शौक छोटा छोटा था। और ये रहा बेबी, कुछ और भी निकला, ये क्या है? हार्ट, ये भी रख दो, अब उसको फीडर पिलाएगी ये पगली। ये क्या हो गया, जैसे फीडर मुंह में डाला म्यूजिक बजने लग गया। वाह, ये तो अच्छी चीज है। ये यहाँ पर फातिमा के फ्राइज आ चुके हैं, कितने अच्छे से फ्राइज को डेकोरेट किए, देखो खीरे का वो भी नहीं, ये तो हरी प्याज है, मुझे लगा खीरे का छिलका भी रख के दे दिए। ओनली फॉर फातिमा, अभी बेबी रहा था, बेबी भी खाएगी वो बोल रही है, नहीं बेटा बेबी नहीं खाएगी, सिर्फ आप खा लीजिए, आप खा लीजिए। चलिए जी, उनको तो सिर्फ खीरा ही खाना है, अच्छे से डेकोरेट किए थे। खाना तो हो गया और खाना टेस्टी था यहाँ का, अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और अभी बस अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, उसके बाद उधर आइसक्रीम ऑर्डर कर दो वापस, अब मेरे पास अब आइसक्रीम खाऊंगी और उसके बाद हम लोग घर की तरफ चले जाएंगे। और फातिमा भी यहाँ पे अपना खाना खा लिए, फातिमा खाना खा लिए, टेस्टी है बेबी, जल्द से बताइए टेस्टी, यम्मी यम्मी यम्मी। और यहाँ पे मेरी आइसक्रीम आ गई, और ये वंसकॉप के नाम पे धोखा है यार, इतना सा वंसकॉप यार, ये तो बहुत छोटा है वंसकॉप, नहीं दूंगी मैं फातिमा को, मैं अकेले ही खाऊंगी, नहीं मिलेगा फातिमा को, मैं अकेले ही खाऊंगी। हो गया हम लोग खाना वाना, अब जा रहे हैं घर, और फातिमा हो गई है नाराज क्योंकि उसको आइसक्रीम नहीं मिला। इसको आइसक्रीम सारा मामा खा रही सर्दी की, उसको आइसक्रीम नहीं दिया, ये नाराज हो गई, बेबी को आइसक्रीम नहीं मिला, और ये को आइसक्रीम नहीं मिला, और ये बार बार बोल रही थी अंकल आइसक्रीम ला रहे हैं, आइसक्रीम कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, बताइए, अभी कुछ नहीं कर नाराज हो गए। घर आ रहे हैं और बच्चा पार्टी से मैं क्या लेके आई आप लोग को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत थकावट हो चुकी है, हिम्मत नहीं है कि मैं दिखा सकूं क्या लाए हैं। और रास्ते में से आते हुए हम लोग लेके आए हैं पीनट, क्योंकि अब आ गई है सर्दियां, तो अब पीनट तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। और फातिमा ने ना अपनी डॉल निकाल ली है, कहा ये फातिमा, फातिमा ने अपनी डॉल जो है वो निकाल ली, उसका फीडर खुद पी रही है, उसके घर आते हुए पोनी उतारी, इसको चेंज करवाया, फातिमा बेटी चुप। और अब इसी के साथ जब तक व्लॉग का एंड करूंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक व्लॉग के साथ। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।